दोस्तों फाइनली आज की मंडे नाइट रॉक के मेन इवेंट में द स्कॉटिश वॉरियर ड्रू मैकइंटायर ने पूरी तरह से हील टर्न ले लिया और रिया रिपली के साथ हाथ मिलाकर यह संकेत दे दिया कि वो अब बन चुके हैं जजमेंट डे टीम के न्यू मेंबर। लेकिन दोस्तों क्या जजमेंट डे टीम को ज्वाइन करना ड्रू मैकइंटायर का सही डिसीजन है? इसमें मेरा क्या ओपिनियन है? क्या जजमेंट डे टीम ज्वाइन करने के बाद ड्रू मैकइंटायर वर्ल्ड चैंपियन बनते हुए दिख सकते हैं? ये सब आपको पता चलेगा आज की वीडियो में। दोस्तों आज की मंडे नाइट रॉ के मेन इवेंट मैच के एंड ने सबको हिला के रख दिया, क्योंकि फॉर्मर WWE चैंपियन द स्कॉटिश वॉरियर ड्रू मैकइंटायर ने अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप मैच में दखल देकर हील टर्न ले लिया और जे उसो को एक जोरदार क्लेम और किक लगा दी, जिसकी वजह से जे उसो और कोडी रोड्स को हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद दोस्तों ड्रू मैकइंटायर स्टेज पर खड़े होकर रिया रिपली से हाथ मिलाकर ये साबित कर देते हैं कि फाइनली ड्रू मैकइंटायर भी जजमेंट डे टीम के मेंबर बन चुके हैं। दोस्तों अगर आप मेरे से पूछोगे तो मेरे हिसाब से WWE ने ड्रू मैकइंटायर को जजमेंट डे टीम ज्वाइन करवाकर बिल्कुल सही किया, क्योंकि जजमेंट डे किसी भी एंगल से तगड़ी टीम नहीं लगती है, उसमें सिर्फ रिया रिपली ही तगड़ी लगती है। लेकिन ड्रू मैकइंटायर के ज्वाइन करने के बाद जजमेंट डे अब काफ़ी तगड़ी टीम बन जाएगी। फर्क सिर्फ इतना है कि WWE को अब हील कैरेक्टर के रूप में ड्रू मैकइंटायर को तगड़ा दिखाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा पिछले 3 साल से ड्रू मैकइंटायर वर्ल्ड चैंपियन नहीं बने हैं। इवन वर्ल्ड चैंपियन बनना तो दूर की बात, ड्रू मैकइंटायर को नॉर्मल मैचेस में भी तगड़ा पुश नहीं मिला। तो दोस्तों ऐसे में ड्रू मैकइंटायर का हील टर्न लेना भी जरूरी है। इसके अलावा दोस्तों आज के मंडे नाइट रॉ में बैक स्टेज ड्रू मैकइंटायर एक बार फिर से सेथ रोलिंस को वर्ल्ड टाइटल के लिए चैलेंज करते हैं और आज के मेन इवेंट में रिया रिपली से हाथ मिलाकर जजमेंट डे टीम को ज्वाइन कर लेते हैं। मतलब एक साथ दो दो चीजों का आज के मंडे नाइट रॉ में होना यह संकेत देता है कि शायद फ्यूचर में हमें ड्रू मैकइंटायर जजमेंट डे टीम की मदद से वर्ल्ड चैंपियन बनते हुए देखने को मिल सकते हैं। लेकिन फिर भी दोस्तों ये सिर्फ मेरा ओपिनियन है, आपको क्या लगता है वो आप हमें कमेंट के थ्रू बता सकते हैं।